नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार में। दोस्तों, महाभारत के युद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में शायद कम ही लोगों को पता होता है। उन्हीं में से एक है कि आखिर बलराम, जो शेषनाग के अवतार हैं, इतने महान योद्धा होते हुए भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी तथ्य के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनके बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार। बलराम कितने शक्तिशाली थे, इस बात से हर कोई परिचित है। भगवान श्री कृष्ण को जहां उनकी मनमोहक मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, वहीं बलराम को उनके बल और गुस्से के लिए। लेकिन इतने शक्तिशाली और बलशाली होने के बाद भी आखिर क्यों बलराम महाभारत के युद्ध का हिस्सा नहीं बने, आज इस वीडियो में हम इसी तथ्य के बारे में जानेंगे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक चला था, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो बहुत अधिक प्रचलित नहीं हैं, और उन्हीं में से एक है बलराम का युद्ध में शामिल न होने का कारण। पांडव पुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे और उन्होंने ही दोनों को गदा चलाने की विद्या सिखाई थी। बलराम को कौरव और पांडव दोनों ही बेहद प्रिय थे। ऐसे में जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ तो वे किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। बलराम ने तो श्री कृष्ण से भी यह कहा था कि उन्हें भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध में शामिल दोनों ही पक्ष उनके ही संबंधी हैं। बलराम दुर्योधन को पहले ही वचन दे चुके थे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और वे स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए कृष्ण ने भी बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध में बिना शस्त्र उठाए अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में हिस्सा लिया। एक तरफ जहां महाभारत के युद्ध में छोटे बड़े राज्यों के सैकड़ों राजाओं ने हिस्सा लिया था, कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वरोहिणी सेना थी, वहीं दूसरी तरफ पांडवों के साथ केवल 8 अश्वरोहिणी सेना थी। बावजूद इसके बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। महाभारत ग्रंथ में एक और घटना का वर्णन मिलता है। इसके मुताबिक युद्ध से पहले एक दिन बलराम पांडवों से मिलने पहुंचे। पांडवों को आशा थी कि वे अपना निर्णय बदल देंगे और युद्ध में उनके साथ शामिल होंगे, लेकिन बलराम ने दुखी मन से कहा, मुझे युद्ध में कोई रुचि नहीं है, ये लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं। भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं, जिस तरफ कृष्ण हैं उनके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं, इसलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। दोस्तों, यही कारण था और ये पारिवारिक संबंध ही थे जिसके कारण महान योद्धा शेषनाग अवतार श्री बलराम जी का मन युद्ध में भाग लेने के लिए नहीं माना और वे तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। दोस्तों, क्या ये तथ्य आपको पहले से पता था? अगर आपको पता था तो कमेंट में जय श्री बलराम लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर आप भी हिंदू धर्म पद्धति और हिंदू धर्म जीवन मूल्यों से प्रेम करते हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हिंदू धर्म व सनातन धर्म से संबंधित वे तथ्य जो आपको नहीं पता है ढूंढकर आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आपको अपने सनातन धर्म के बारे में हर एक जानकारी मिल सके जो आपको नहीं पता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।